कुछ दिनों तो एक वीडियो सोशल मीडिया के उपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो जी है पड़ताल कर तो पता चला कि मोगा जिला के पिंड दीना साहब की है जिथे कि पिछले दिनों के दुधारू पशु है जिन्होंने गावं भी हैं मझा भी हैं उन्होंने जी है लगातार मौत हो रही है और पिंड वासियों का जरा कह वीडियो के अंकड़ा आया वो 200 तो उपर आया की कारण रहे हैं क्यों मौत हो रही ने। कल फैक्ट न्यूज़ ने जीरो ग्राउंड के उपर रिपोर्ट भी तैयार की थी और पिंडां दे विच जाके दौरे भी किए थे और उन्हां लोकां नूं भी मिले थे जिन्हां लोकां दीआं मझां जां गावां जिहड़ियां हैगियां ने वह मरिया ने। इहदे ते ज़्यादातर सानूं लोकां ने यह दस्या कि काफ़ी देर तो जिहड़ी बीमारी जिहड़ी हैगी है पिंड दे विच फैली करीब 2 तरीक तो यह बीमारी फैली हैगी है और लगातार जिहड़ा हैगा विभाग नूं इहदे बारे सूचित करते रहे हैगे आ पर विभाग वल्लों कोई कार्रवाई नहीं की गई जिथे कि यह भी पता लग्या है कि ना तो इस पिंड दे विच पिछले लंबे समय तो कोई वैटनरी डॉक्टर हैगा और ना ही जिहड़ी हैगी इत्थे कोई वैक्सीनेशन होई हैगी है। पिंड वासियों ने यह भी कहा कि जदों वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो वायरल होने तो बाद जिहड़ा हैगा पशु पालन विभाग जिहड़ा हैगा मोगे का वह हरकत च आया SDM साहब हरकत दे विच आए तो होर अधिकारी हरकत दे विच आए तो कल जदों कि असीं उत्थे पहुँचे सीगे उदों ये टीमां जिहड़ियां हैगियां उत्थे दौरा कर रही सीगियां और लगातार जिहड़ा हैगा आंकड़ा वधदा जा रहा हैगा। कल भी जदों असीं उत्थे गए तो कल भी सानूं पिंड वासियों ने दस्सिया कि कल दे विच भी जिहड़ियां 2 तो 3 मौतां जिहड़ियां होईयां ने। इत्थे दसण वाली गल बहुत जरूरी हैगी है कि जिहड़े पशु मरे ने जिहड़े उन्हां दे मालक ने उन्होंने पशु जिहड़े खरीदे सीगे बैंकां तों लोन लैके खरीदे सीगे ताकि कारोबार किया जाए दुध का और जिस तरीके नाल इस वेले पंजाब सरकार भी हैगी है लोगों को रुजगार बारे बैंकों तो कर्जे दुआरी हैगी है उस तरह ही उन्होंने कर्जे लेके जोड़े है बैंकों तो यह मझा गाव खरीदिया पर हादसा वापर गया की कारण रहे क्यों मौत हो रही ने मेरे नाल इस वेले मोगा जिले के डिप्टी डायरैक्टर पशु पालन विभाग हरलीन कौर जी है गल करते उन्होंने पुछते उन्होंने मैम दीना साहब के जिहड़ियां लगातार मौत हो रही पशुओं दी पिंड वासियों के कहने के मुताबिक आंकड़ा जिहड़ा गा 200 तो उपर दा की कारण है। हाँ जी सारे नूं सत श्री अकाल। ये संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिहड़ी ये फिगर हैगी है ये ठीक नहीं हैगी साढ़े मुताबक 28-29 पशु मरे है तो ये हुण कहन दी गल है जदों आपां भी 6 तरीक नूं उत्थे रिपोर्ट कीता सीगा जदों सानूं खबर मिली असी टीम दे तौर ते उत्थे गए तां उत्थे पता लग्गिया कि एक घर दे 4-5 पशु गुजरे सीगे उन्होंने उन्हां नूं पुछण ते सरपंच साहब नूं पुछण ते पता लग्गिया कि कोई राहगीर पशु आए सी ठहरे सी पिंड च ते ओह बीमारी जिवें उदू बाद बीमारी फैली है वो जदों ही साढ़े महकमे नूं इस गल का पता लग्या असी उत्थे टीमां बनातियां उत्थे 14 साढ़े डॉक्टर्स ते पैरा वैटनरी स्टाफ काम कर रहे हैं जिदे विच कल 2 डॉक्टर्स होर इनक्रीज़ किए एक उन्होंने सीनियर ऑफिसर उत्थे है तो हुण काफ़ी हद तक कंट्रोल च है तो असी जिहड़ी वैक्सीन की गल है जिथों तक मैं दसना चाहवागी कि मोगा जिले में 30% स्टाफ है साढ़े को सारिया संस्थावां दे विच ਤਾਂ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 28-30 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਲ ਤੱਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ
विभाग उत्थे हैगा तनदेही ना काम कर रहा है और दवाई भी है जिहड़ी तकरीबन 40,000 दी दवाई है जिहड़ी डिपार्टमेंट वालों मुफ्त दिती गई है। हुण जिहड़े लोग उस डिस्पेंसरी नाल संपर्क नहीं कर रहे जां सरकारी डॉक्टरां नाल संपर्क नहीं कर रहे उन्हां दे जानवरां दी मोर्टैलिटी हो रही है उहदे वास्ते असी थोड़े जे कह लो कि असहाय हाँ असी उन्हां नूं यही गुजारिश करते हैं कि वह डिस्पेंसरी उन्हां उस संस्था कोल जाण डॉक्टरां तक पहुँच करन ते उन्हां दी पर मैम गल तां इह है ना जाणगे कित्थे उत्थे कोई डॉक्टर ही है नहीं हुण आए ना जी हुण तुसीं भेजे ना जदों बीमारी फैल गई तुहानूं 6 तरीक नूं पता लग्गिया तुहाडे कहण दे मुताबक तुसीं कह रहे हो 6 तरीक नूं तुहानूं पता लग्गिया 6 तरीक तों बाद तुसीं उत्थे डॉक्टर भेजणे शुरू कीते लेकिन पहलां तां कोई नहीं सी ना जी पहलां और जिहड़े इह वी तुसीं भेजे ने इह वी तुसीं वख वख डिस्पेंसरियां तों टैंपरेरी भेजे हाँ जी हाँ जी सरकार नूं मैं इह बेनती कर सकदी हाँ कि साडा मोगे जिले का स्टाफ पूरा किया जाए क्योंकि जिहड़े बंदे रिटायर हो रहे हैं उन्हां दी जगह ते नवें कर्मचारी नहीं आ रहे इस करके डिस्पेंसरीज खाली पईआं ने। अच्छा चलो डिस्पेंसरियां सरकार ने पूरियां करनियां डॉक्टर जिहड़े हैगे सरकार ने लगाने हैगे ने वैसे भी जिहड़ा हैगा तुसीं तुहाडे कहण दे मुताबक जिहड़ा हैगा कि सिर्फ जिहड़े तुहाडे कोल ने 32 के जिहड़े हैगे ने उह 23 डॉक्टर तुहाडे कोल हैगे ने 23 डॉक्टर जदकि मेरे ख्याल डिस्पेंसरियां 50 तों उपर 52 डिस्पेंसरियां यानी कि 50% भी स्टाफ जिहड़ा हैगा उह पूरा नहीं हैगा गा जे आपां गल करिए तां दूजे पासे जे आपां गल करिए सरकार बहुत वड्डियां वड्डियां सुविधावां दे रहियां बैंकों तो लोन दवा रही हैं भी तुम पशुओं का काम करो दुध का काम करो हूँ जोड़े लोगों ने दुध का कारोबार शुरू किया बैंकों तो लोन लेते ने उन्होंने पशु मर गए की सरकार उन्होंने वालों की रिकमेंडेशन की जा रही भी इन्हों की मदद करे परसों SDM साहब आए थे उन्होंने को पिंड वाले ने यह मुद्दा उठाया SDM साहब ने सानू कहा कि जेनुअन फिगर तुम यदा सर्वे करके सू दसया जाए तो जो असी अगलेरी कार्रवाई करिए ते टोटल तुसीं हुण तकर किन्ने जिहड़े हैगे ने पशुआं दे जिहड़े हैगे ने पोस्टमार्टम करवाए ने साडे कोल जिवें असीं 6 तरीक नूं उत्थे गए आ तां 6 ते 7 ते 8 नूं असीं तकरीबन 4-5 पशुआं दा पोस्टमार्टम कीता इस वजह करके कि सानूं पता लगे कि इह बीमारी की है यानी कि तुहाडे कहण दे मुताबक 28 जिहड़े हैगे ने उहनां पशुआं दी मौत होई और तुसीं सिर्फ 4 या 5 पशुआं दा पोस्टमार्टम कीता तां कि तुहानूं ट्रायल पता लग जूगा भी बाकी जिहड़े हैगे ने पशु की वाकई इसे बीमारी दे नाल जिहड़े हैगे ने होए ने। मैम इत्थे आपां दसणा चाहवांगे लोकां नूं तुहाडे राहीं इक मैसेज भी देना चाहवांगे कि लोग सुचेत किवें होण क्योंकि इस वेले स्थिति जिहड़ी उस पिंड दी बणी आ हर घर दे विच कोई कह रहा मेरे घर 5 पशु मर गए कोई कह रहा मेरे घर 4 मर गए कोई एक कल सानूं बंदा मिलिया कहिंदा जी मेरे घर 8 पशु मर गए जिहड़ी इदां दी जदों पैनिक स्थिति बणी हैगी है कि तुहाडे वल्लों उत्थे कोई कैंप लगाया क्योंकि जदों असीं कल उत्थे गए थे सानूं कोई भी अधिकारी नहीं मिलिया तुहाडा इक सिर्फ इंस्पैक्टर जिहड़ा हैगा गलियां 'च सानूं मिलदा जरूर देखिया असीं घूमदा मिलता पर उत्थे कोई टीम दा कोई डॉक्टर जदों कि एड्डी वड्डी आपदा ही आपां नूं कह सकदे आ क्योंकि एक बीमारी है जिहड़ी कि तुसीं खुद कह रहे हो कि पशु तो पशु जदों इंसान नूं तां आपां समझा सकदे आ भी तूं बैठ जा भाई कमरे 'चों बाहर नहीं निकलना लेकिन पशु दा संगल खुल गया तुहाडे पता नहीं कित्थे कित्थे पहुँचना जिहड़ी गल तुसीं कही हैगी अधिकारी 4 डॉक्टर्स ते 1 उहनां दे सीनियर डॉक्टर उह सारे जदों ही कोई आउंदा हैगा कि उस संस्था 'च रिपोर्ट करदा कि मेरा पशु बीमार है उह उसे घड़ी उठ के उस बंदे दे नाल जांदे इस करके शायद तुहानूं नहीं मिले होणे जे तुसीं मैनूं फोन कर लैंदे तां मैं तुहाडी उहनां नाल गल करवा सकदी सी ते जिहड़ी गल आपां कह रहे हां कि इहनूं बचाउणा किवें आ उहदे वास्ते मैं हत्थ जोड़ के सारे ही किसान वीरां नूं इह बेनती करदी हां कि इह बीमारी उस पिंड च जे वो भी साढ़े को अप्रोच करता उस संस्था को उस बंदे दे घरे जाके सीनियर डॉक्टर पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टर ने सर्जन ने जिहड़े बड़े काबिल डॉक्टर है उन्हों कंट्रोल कर रहे उन्हां ताईं पहुँच करो जे तुसीं उन्हां ताईं नहीं पहुँचते घर अपना ओड़ फोड़ कर रहे हो जां किसी गैर मानता प्राप्त तो करवा रहे हो उहदे वास्ते फिर असीं की कह सकते हैं तो यही मैं कह रही हाँ कि जे इहनूं आपां कंट्रोल करना है आपां सरकारी अमले कोले जाके पहुँच करिए तुहाडी सहायता की जाए। सैकेंड गल कि आवाजाही रोकी जाए जिहड़े राहगीर पशु लैके घूमते पे आ समझ लो कि एक बीमारी नूं कैरी करदे एक थां तों दूसरी थां एक उहनां नूं भी आपां पिंड लैवल ते सरपंच सारे समूह सरपंच साहब नूं बेनती है कि उहनां नूं आपां अपने पिंड आउण तों डिसकरेज करिए जिथे है उत्थे रहण मूव ना करन और जिहड़ा भी तुहाडे घर मान लो कोई पशु बीमार ने अपने घर भी कोई उपरा बंदा ना आवे तां जो वायरस ना लैके आवे ते ना लैके जावे आपदे घर नूं इह जिहड़ी बीमारी है इह पशुआं दी लार तों और हवा राहीं और पानी राहीं पठियां राहीं
ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੀਬ 28 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਉਕਾੜਾ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਗਾ।